आज तारीख है 24 और शाम के 5 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ मार्केट मार्केट में पंजी की सब्जी मंडी में। तो आज आपको दिखाएंगे पंजी की सब्जी मंडी और थोड़ी बहुत मार्केट। पहले जाऊंगा ऑफिस मैडम को लेने और उसके बाद पंजी सब्जी मंडी। तो सब्जी मंडी जाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? थैले, और साथ में क्या जरूरी है यहाँ पे? रेनकोट। ये लो, बैग में डालो और अपना चलो फिर। ये रही अपनी लूना, ये भी हाँसी से आई है ट्रेन में चढ़ के। और ये लेफ्ट में है पंजी में फोंटेनास, स्पेलिंग डाल दिया अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो। ये मतलब पुराने घर थे यहाँ पे और पंजी में, अब ये सारे मतलब लोगों ने देखे अंदर कैफे वगैरह बहुत अच्छे अच्छे कैफे बने हुए हैं। आगे एक वीडियो है आएगी जिसमें अंदर से कैफे भी दिखाया हुआ हमने, अच्छे अच्छे कैफे होटल और भी शॉप्स मतलब इन्हीं में बनी हुई है। ये आपको नया नया सा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये कुछ ऐसा सुना है मैंने कि एग्रीमेंट हुआ था कि हर साल इसको रिपेंट किया जाएगा, मतलब तभी ये थोड़े सुंदर सुंदर और अच्छे कंडीशन में दिखते हैं। राइट में है ये नदी, इसका नाम है रियो डी ओरियम, और ये आगे जाके मांडवी नदी में मिल जाती है आगे जाके। और ये राइट में है कैसीनो सारे, यहाँ मतलब इनकी एंट्री है कैसीनो की, और आगे बोट में ले जाते हैं। फ्लोटिंग कैसीनो है तो आगे वो शिप तक आपको यहाँ से बोट में ले जाते हैं। और ये है पंजिम की मार्केट, ये वन वे है यहाँ सारा ही, यहाँ भी आप जाओगे। और ये दोपहर को लगा लो 12 बजे से या 12:30 से लेके 2 बजे तक, काफी 2:30 बजे तक लंच टाइम होता है इनका। तो लगभग सारी मार्केट ये रेस्टोरेंट वगैरह छोड़ के बाकी लगभग सारी मार्केट बंद हो जाती है। और जो जस्ट सामने ये बिल्डिंग दिख रही है यही है, ये वाली जो लाल और ग्रीन कलर की, ये है म्युनिसिपल मार्केट है वैसे इसका नाम। तो इसके अंदर ही सारी काफी सारी शॉप्स हैं, ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स की, मोबाइल की, नीचे सब्जी मंडी है पूरी। ये है सब्जी मंडी पणजी की। कौन कहता है वो सब्जी नहीं मिलती, गोवा में जाओ तो सब नॉन वेज नॉन वेज, देखो कितनी बढ़िया। इसमें तो कलर भी कुछ ज्यादा ही उभर के आ रहे हैं रिकॉर्डिंग के अंदर, और ये ऊपर सारी कवर्ड है क्योंकि बारिश होती रहती है इसके लिए, तो कलर देखो अभी आके दिखेंगे आपको सब्जियों में कितने बढ़िया उभर के आ रहे हैं। इतने सही रियल में है नहीं, और ये कैमरा थोड़ा बढ़िया तरीके से दिखा रहा है। यही से ज्यादातर हम लेते हैं सब्जी, सही मिल जाती है, थोड़ी फ्रेश होती है इनके पास, और ज्यादा बार्गेनिंग भी नहीं करनी पड़ती। और ये जो शॉप के लिए बनवाए थे थैले, इसका यूज हो रहा है यहाँ सब्जी धोने के लिए।
ऊपर है मोबाइल मार्केट, कपड़ा मार्केट, जूते, प्लास्टिक, स्टील के बर्तन, और नीचे है ये सारी सब्जी मंडी। कवर्ड सब्जी मंडी, क्योंकि बारिश तो यहाँ आती रहती है तो उससे सेफ। तो प्राइस भी वहाँ के मतलब हरियाणा जैसे ही है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये है बैक साइड वाली एग्जिट सब्जी मंडी की। बैक साइड में है इसकी कार पार्किंग बेसमेंट में।